हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन के माध्यम से पता चल चुका है कि हम आज जो है आपसे हिंदी मास्टर कैडर जो है उसमें 2016 का प्रीवियस पेपर जो है उस पर आज हम जो है विचार विमर्श करने वाले हैं कि किस प्रकार के आपको जो है हिंदी मास्टर कैडर में जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न पत्र किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कुछ ना कुछ इस प्रकार से हमें जो है इसका आभास हो जाता है। तो आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें हमें तैयारी करने में, उनमें सफलता पाने में काफी हद तक ये हमारे सहायक हो सकते हैं, ठीक है। और हमने अभी लास्ट पेपर हमने जब दिया ये मास्टर मिस्टर इसका हिंदी वाला, तो उसमें हमने देखा कि बहुत से क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हुए हैं, यानी कि वो ही जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, हमें फिर से हमारे जो अब पेपर हुआ है हमारा लास्ट पेपर उसमें पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार से सहायता मिलती है कि अगर हम उसको कर लेते हैं, एक तो हमें इस बात का जो है ज्ञात हो जाता है, ये बात हमें पता चल जाती है कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र बनता है, किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जामिनर हमें जो उठा सकते हैं, किस प्रकार का इनका जो है कठिनाई स्तर रहने वाला है। और दूसरा ये भी है, हो सकता है जिस प्रकार से हमें लास्ट पेपर देखने को मिला कि कुछ जो क्वेश्चन थे हमें प्रीवियस पेपर से मिले लास्ट पेपर में, तो हो सकता है हमें इस बार जो है इस पेपरों का अध्ययन कर लेना चाहिए, है ना, इन पेपरों का हमें अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि हमें आने वाले जो आगामी हमारी परीक्षा है मास्टर मिस्टर कैडर हिंदी की, उसमें हमें सहायक हो सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी से संबंधित पार्ट ए में आज हम जो है 2016 पेपर प्रीवियस को देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन संख्या नंबर 1 से हम 50 तक जो है आज क्वेश्चनों का हल करेंगे, ठीक है। तो आओ चलते हैं हम हमारे क्वेश्चनों की ओर। इससे पहले हम साथियों क्या है कि आप सभी से ये हम डिस्कस कर लें, इस बात पर विचार कर लें कि अगर आप जो है ऑनलाइन कोचिंग का माध्यम बनना चाहते हैं, घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश मास्टर कैडर से संबंधित हैं, आपको लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस, टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज MCQ, PDF नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे और फुली सिलेबस आपको जो है कोचिंग के ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा मास्टर मिस्टर पंजाबी है, हिस्ट्री लेक्चरर कैडर है, SST मास्टर कैडर है, पॉलिटी आर्ट एंड क्राफ्ट PTI हिंदी मास्टर कैडर, जिस ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से घर बैठे ही बड़े आसानी के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, बड़ा आसान सा काम है, अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, अपना नेम, ठीक है, कोर्स, ठीक है, यानी कि जिस पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं, जिस मास्टर कैडर मिस्टर कैडर से आप संबंधित हैं, चाहे वो इंग्लिश है, पंजाबी है, हिस्ट्री है, हिंदी है, PTI है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, किसी भी तरह का आपका कोर्स है, ठीक है, तो वो आपने टाइप करना है, ठीक है। फिर आपने टाइप करना है सिटी यानी कि शहर, ठीक है, तो अपने शहर का नाम, या अगर किसी आप गांव से संबंधित हैं तो अपने गांव का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं। दूसरा अपना अगला फिर अपना जो स्टेप है, अपना पड़ाव है, वो है जेंडर, है ना, मेल या फीमेल, आपने जेंडर अपना टाइप करके हमें सेंड कर देना है, ठीक है। तो इसके द्वारा आप जो है बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं घर बैठे ही। इसी के साथ आप PSTET 1 सेकंड, ETT सेकंड पेपर, NTT मास्टर मिस्टर कैडर, PTI, PSSB, PCPL गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग आदि कंप्लीट एग्जाम के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन सब नंबरों के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और आप जो है ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं और बड़े ही बखूबी के रूम में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रीवियस पेपर हम उस पर विचार विमर्श करने वाले हिंदी मास्टर कैडर का जो 2016 का है, ठीक है। तो इनका करने का हमारा उद्देश्य मकसद एक ही है, ताकि हमें जो है मास्टर कैडर की कठिनाई स्तर का पता चल जाए, दूसरा हमें किस प्रकार के प्रश्न जो है आगे तैयार करने चाहिए, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे हमारे
जो पेपर में जो है हमारे एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमें ये प्रीवियस पेपर बहुत सहायक होते हैं। और कभी कभी तो ये पेपर इतने ही सहायक होते हैं कि आपको इस प्रकार के प्रश्न हूबहू भी देखने को मिलते हैं जिस प्रकार से हमारे लास्ट एग्जाम में हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे प्रीवियस पेपर करने का तो मकसद बनता ही है, उद्देश्य है ही इन्हें करने का। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास कि भक्ति काल में रीति निरूपण कर्म, ठीक है, नीति रूपण कर्म करने वाले कवि हैं। ठीक है, विकल्प में हमारे पास चार कवि दिए गए हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है मास्टर कैडर में चार विकल्प होते हैं, बिल्कुल पैटर्न वही रखा गया है। ठीक है, जैसे पहला ए ऑप्शन है हमारे पास रहीम, दूसरा बी में हमारे पास है कवि श्रीधर, सी देवप्रभ, डी शालुई भद्र सूरी। तो इनमें से भक्ति काल में रीति निरूपण कर्म करने वाले कवि कौन है, ठीक है, करने वाले कवि हैं कौन से हैं वो? तो हमारा आंसर सही है रहीम, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो रहीम जो है उनका जन्म 1556 को हुआ था, ठीक है, 1556 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं वरवे नायिका भेद, ठीक है, वरवे नायिका भेद इनकी रचना मानी जाती है, मदनाष्टक इनकी रचना मानी जाती है, ठीक है, वरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, दोहावली, ठीक है, इसी के साथ वरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, दोहावली, और इन्होंने नीति संबंधी दोहे भी लिखे हैं, नीति संबंधी दोहे जो हैं वो इनके अधिक हैं, क्या है, बहुत अधिक है। इसी कारण जो है भक्ति काल में रीति निरूपण कर्म करने वाले कवि माने गए हैं रहीम। तो हमारा जो राइट आंसर है साथियों वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि पुष्टि मारक का जहाज किसे कहा गया है। तो पुष्टि मारक का जहाज किसे कहा गया है, ए ऑप्शन में विकल्प हमारे पास है, ए विकल्प है हमारे पास चीर स्वामी, बी परमानंद दास, सी नामा दास, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना मिस्टेक है, ठीक है, यहां पर नामा नहीं है, नाभा है, नाभा दास, ये भ है ये, ठीक है, नाभा दास, डी सूरदास, पुष्टि मारक का जहाज। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, पुष्टि मारक का जहाज जो है वो सूरदास को कहा जाता है। तो ऐसा कहा गया जब इनका देह वासन हो रहा था तब कहा गया था पुष्टि मारक को जहाज जात है, जो कछु लेना हो तो लेजिए, ठीक है, तो ये कहा था भलवाचार्य जी के पुत्र विठ्ठलनाथ जी ने, ठीक है, विठ्ठलनाथ जी ने इन्हें जो है पुष्टि मारक का जहाज कहा। तो सूरदास के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं सूरदास, ठीक है, तो सूरदास क्या थे, कृष्ण भक्त कवि थे, ठीक है, कृष्ण भक्त कवि है, सगुन काव्य है इनका, याद रखिएगा सगुन काव्य से है, कृष्ण भक्त हैं, 1478 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, 1478 में इनका जन्म हुआ है, और सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और साहित्य लहरी जो है इनका जो साहित्य लहरी है वो रीतिपरक है, रीतिपरक काव्य है, साहित्य लहरी इनका रीतिपरक काव्य है। तो सूरदास जी जो है इन्हें जीवनोत्सव का कवि भी कहा जाता है, भावाधिपति, ठीक है, जीवनोत्सव का कवि, भावाधिपति कवि, ठीक है, पुष्टि मारक का जहाज, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नाम है वो सूरदास जी को दिए गए थे। सूरदास जी कृष्ण जो है कृष्ण भक्त कवि हैं, 1509, थोड़ी सी मिस्टेक है, हाँ जी अब सही कर लेते हैं इसको, 1509 या 10
ठीक है, में इनकी भल्वाचार्य जी से भेंट हुई। भल्वाचार्य से भेंट हुई, और इसी के साथ ये भी बता दे कि पुष्टि मार्ग का जहाज जो सूरदास को, ये तो आपको मालूम हो गया। साथ ही साथ अष्टछाप के कवियों में अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 में की गई, ठीक है। और जो अष्टछाप में जो है वो चार कवि जो थे वो भल्वाचार्य के थे, ठीक चार शिष्य, और विट्ठल नाथ इनके पुत्र हैं भल्वाचार्य जी के, विट्ठल नाथ के चार शिष्य, ठीक है। तो जो सूरदास थे, सूरदास वो भल्वाचार्य के शिष्य थे, ठीक है, भल्वाचार्य के शिष्य माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड, जो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा सूरदास है। चलते हैं जी आगे, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, कि सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया है। ए विकल्प में हमारे पास है 7, बी में हमारे पास है 5, सी में हमारे पास है 4, और डी में हमारे पास है 2। तो हमारा सही आंसर है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भाग कौन कौन से हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ठीक है। तो 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है, ठीक है। 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ठीक है। चलते हैं जी आगे। निम्नलिखित में से किस युग को पूर्ण जागरण काल भी कहा जाता है। अब कौन सा युग है जिसे कि पूर्ण जागरण काल कहा गया? तो ए हमारे पास विकल्प में है छायावाद युग, ठीक है। बी में हमारे पास है द्विवेदी युग, सी में हमारे पास है भारतेंदु युग, और डी में हमारे पास है छायावादोत्तर काल। तो किसे कहा गया निम्नलिखित में से युग को पूर्ण जागरण काल? तो पूर्ण जागरण काल किसे कहा गया है? तो पूर्ण जागरण काल कहा गया है भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को कहा गया है, किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। भारतेंदु युग जो है वो 1850 से 1900 तक है, और भारतेंदु को पूर्ण जागरण काल पुनः जागरण काल किसने कहा? तो पुनः जागरण 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 काल जो है वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, ठीक है। पूर्ण जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तो जागरण सुधार काल है वो द्विवेदी युग को कहा जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। हाँ जी, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, रस खान है, रस खान क्या है? तो रस खान क्या माने जाते हैं? तो ए राम भक्त कवि है, बी जो द्विवेदी युग ठीक है कवि है, सूफी कवि है या संत कवि है। तो क्या है रस खान? तो रस खान के बारे में कहा जाता है कि रस खान जो है वो द्विवेदी युग के कवि है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि रस खान जो है वो द्विवेदी युगीन कवि माने जाते हैं, द्विवेदी युगीन कवि माने जाते हैं रस खान, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रीति काल में काव्य रचना की प्रमुख भाषा है। तो हमने ये जानना है कि रीति काल में कौन सी भाषा जो थी वो प्रमुख भाषा थी। साधारण शब्दों में हमसे ये पूछा गया है कि रीति काल की भाषा कौन सी थी, प्रमुख भाषा। ए ब्रज भाषा थी, बी अवधी थी, सी डिंगल है या डी बिहारी है।
तो कौन सी भाषा है रीतिकाल की? आप सभी को मालूम है रीतिकाल में जो है अवधि, सॉरी रीतिकाल में जो है ब्रज भाषा है, ठीक है। रीतिकाल में काव्य की रचना की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी। तो रीतिकालीन कवि जो है वो दरबारी कवि थे। रीतिकाल जो है, रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, ठीक है। और रीतिकालीन कवि जो है, रीतिकालीन कवि दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे, साथ ही साथ वो श्रृंगारिकता का वर्ण अधिक करते थे। श्रृंगारिकता का वर्ण अधिक था, आम जनता ठीक है, आम जनता जनता की व्यथा पीड़ा की और कोई ध्यान नहीं था। इसी कारण यह काल जो है 200 वर्षों में ही पतन की गर्त में गया। ठीक है, तो इसका मेन जो रीतिकाल का मेन पतन जो कारण था वो ये था कि देखो साहित्य क्या होता है, साहित्य में होता है साहित्य यानी कि आम जनता की बात की जाती है, उसमें उसकी दुखों पीड़ों दुखों दुखों को, उनकी पीड़ाओं को जो है वो अलंकृत किया जाता है, उनकी जो भावनाएं हैं उनको, राष्ट्रहित की बातें उनमें उनमें जो है अधिक लिखा जाए, तब वो साहित्य कहलाएगा। तो रीतिकाल में क्या था कि श्रृंगारिक कवि है, राजाओं को श्रृंगार का वर्णन है, उनकी भोग विलासिता का वर्णन है, जो कवि थे वो अपने राजा के पद पाने के लिए उनकी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा भी कह सकते हैं हम, कि वो करते थे। तो इसी कारण जो है ये पतन की गर्त में चला गया, 200 वर्षों तक ही कम अल्प समय में ये जो है पतन की ओर चला गया। तो रीतिकाल में हमारा क्वेश्चन है कि रीतिकाल में प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। चलते हैं जी आगे। आधुनिक काल के दूसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक काल का जो दूसरा चरण है उसे क्या कहा जाता है? दूसरा चरण जो है आधुनिक काल का उसे क्या कहा जाता है? तो ए प्रेमचंद युग, बी द्विवेदी युग, सी गुप्त युग, डी भारतेंदु युग। तो आप सभी से इस बात से अवगत हैं कि आधुनिक काल का पहला चरण तो आप सभी को मालूम है कि भारतेंदु युग है, तो दूसरा चरण कौन सा हुआ? द्विवेदी युग। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और द्विवेदी युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, ठीक है। तो द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1920 तक है, लेकिन कहीं ना कहीं 1918 जो है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना, वो 1918 में उसका प्रकाशन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कुछ पुस्तकों में कि 1918 में जो है छायावाद का उद्भव हो चुका था, छायावाद का जो है विकास हो चुका था, ठीक है। लेकिन अधिकतर पुस्तकों में ये भी है कि 1900 से 1920 तक जो है द्विवेदी युग है, क्योंकि 1920 तक जो है सरस्वती पत्रिका का कार्यभार जो है, पत्रिका का कार्यभार द्विवेदी जी ने 1903 में संभाला और से 1920 तक रहे। और 1920 में जो है देवी दत्त शुक्ल आए, देवी दत्त शुक्ल जी जो हैं उन्होंने जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका को जो है वो बाद में इनका इन्होंने कार्यभार को संभाला, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सतसई वह रचना है जिसमें 100 दोहे होते हैं, 700 दोहे होते हैं, सी ऑप्शन 700 कविताएं होती है, डी 100 कविताएं होती है। तो सतसई वह रचना है जिसमें कि 700 दोहे होते हैं, ठीक है। सतसई कौन सी रचना है? सतसई वह रचना है जिसमें कि 700 दोहे होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है?
तो सिद्धों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? ए ऑप्शन में हमारे पास है 9, बी 84, सी 13 संख्या होती है, डी 93। तो आप सभी को मालूम है कि सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी गई है। तो राहुल संस्कृत्यान जी जो है, राहुल जी ने जो है, राहुल संस्कृत्यान हम सभी इस नाम से परिचित हैं, हिंदी साहित्य के पाठक वर्ग और हिंदी साहित्य के लेखक जो, और हिंदी साहित्य से दुनिया भर में हिंदी साहित्य को प्यार करने वाले, हिंदी साहित्य को रुचि लेकर पढ़ने वाले सभी इस बात से अवगत हैं कि सिद्धों की संख्या जो है 84 के साथ साथ राहुल संस्कृत्यान ने इनकी संख्या 84 बताई थी। ठीक है, राहुल संस्कृत्यान ने इनकी संख्या 84 बताई थी और नाथ जो है वो 9 है, 9 नाथ है, 84 सिद्ध है। राहुल संस्कृत्यान ने 84 सिद्धों की बात कही है और 84 सिद्ध माने जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से संप्रदाय में दीक्षित कौन सा कवि है? वह कौन सा कवि है जो कि संप्रदाय में दीक्षित है? कौन सा कवि माना जाता है जो संप्रदाय में दीक्षित है? ए रसखान, बी मीरा, सी रहीम और डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से संप्रदाय में जो दीक्षित कवि हैं वो है रसखान। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, तो निम्नलिखित में तो रसखान जो है वो माने जाते हैं संप्रदाय में दीक्षित। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल। प्राकृतिका सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिका सुकुमार कवि, ये हमें जो है लास्ट जो हमारा प्रीवियस पेपर है उसमें भी पूछा गया था, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो ए ऑप्शन में हमारे पास है, विकल्प हमारे पास 4 है, तो ए ऑप्शन हमारे पास जो है वो उसमें है हमारे पास प्रसाद। ठीक है, प्रसाद यानी के जयशंकर प्रसाद। बी में हमारे पास है बच्चन यानी के हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तीसरा हमारे पास सी ऑप्शन में हमारे पास है पंत यानी के सुमित्रा नंदन पंत, और डी में हमारे पास है अगे, है ना। तो प्राकृतिका सुकुमार कवि कहा गया है सी ऑप्शन, पंत जी को, पंत जी को जो है प्राकृतिका सुकुमार कवि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रानी, तो झांसी की रानी जो है काफी इंपॉर्टेंट रचना है और हमसे जो है ये लास्ट एग्जाम में भी हमसे जो पूछी गई थी, है ना। तो झांसी की रानी ए ऑप्शन में हमारे पास है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी में है दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी मैथिली शरण गुप्त। तो झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इसके अलावा झांसी की रानी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना के साथ साथ इनकी है झंडे की इज्जत में, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। लेकिन झांसी की रानी इनकी लास्ट जो है एग्जाम उसमें पूछी गई है, आप देखिएगा। ठीक है, तो झांसी की रानी काफी इंपोर्टेंट रचना मानी गई है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? उसने कहा था, तो ए ऑप्शन में हमारे पास है पांडे वेचन शर्मा उग्र, बी में हमारे पास है किशोरी लाल गोस्वामी, सी में हमारे पास है लाला श्रीनिवास दास, और डी ऑप्शन हमारे पास है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक जो माने गए हैं वो माने गए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो गुलेरी जी की ये कहानी मानी गई है, उसने कहा था। तो उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1915 में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें जो है प्रेम का वर्णन है, निश्चल प्रेम जो है उसका वर्णन है। ठीक है, उसने कहा था कहानी काफी जो है महत्वपूर्ण कहानी है, काफी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये एग्जाम में बहुत बार जो है इसके बारे में पूछा गया है। कई बार इसका जो है सन पूछ लेते हैं कि किस सन में ये प्रकाशित हुई थी, कौन सी ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी, 1915 ईस्वी में। उसने कहा था चंद्रशर शर्मा गुलेरी जी की, गुलेरी जी की कहानी है ये। आदर्शवादी हिंदी कहानी परंपरा के लेखक कौन माने गए हैं?
आदर्शवादी हिंदी कहानी परंपरा के लेखक कौन है? तो ए जनेंद्र, बी भगवती चरण वर्मा, सी सुदर्शन, डी चतुर्सेन शास्त्री। तो जो आदर्शवादी हिंदी कहानी परंपरा के लेखक है वो है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी जो है वो आदर्शवादी हिंदी कहानी परंपरा के लेखक माने गए हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से ऐतिहासिक नाटकों के प्रणेता हैं, जो ऐतिहासिक नाटक जिन्होंने लिखे उनके प्रणेता कौन हैं? तो ए सेठ गोविंद दास, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी जयशंकर प्रसाद, डी उपेंद्र नाथ अशोक। तो ऐतिहासिक नाटकों की जो प्रणेता है वो है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावाद के जो है प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, साथ ही साथ जो है हमारे पंत जी हैं, निराला है, महादेवी वर्मा है। तो उनमें से जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं और छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। और इनके नाटकों के प्रणेता जो है ऐतिहासिक नाटकों के प्रणेता वो जयशंकर प्रसाद है, जिसमें आप सभी को मालूम है इनके नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, आदि ध्रुवस्वामी आदि इनके नाटक जो है जिनकी पृष्ठभूमि वो ऐतिहासिकता पर आधारित है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस निबंधकार को भारतीय संस्कृति और इतिहास का पुजारी माना जाता है? वो कौन से निबंधकार है जो भारतीय संस्कृति और इतिहास का पुजारी जिन्हें माना जाता है? ए जनेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गुलाब राय, डी बाल मुकुंद गुप्त। तो कौन है इन सभी में से? तो हमारे पास है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है भारतीय संस्कृति और इतिहास के पुजारी माने जाते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो ललित निबंधकार भी हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ललित निबंधकार इनमें से कौन से हैं, अगर आपको यही ऑप्शन हो मान लीजिए तो आपका आंसर होगा ललित निबंधकार जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और इतिहास का पुजारी भी इन्हें माना जाता है। इसके साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो आचार्य शुक्ल के विरोधी हैं। आचार्य शुक्ल के विरोधी हैं। इन्होंने क्या है कि आचार्य शुक्ल की धारणाओं को जो है उनका विरोध किया है इन्होंने, ठीक है, उनका विरोध किया है आचार्य शुक्ल की धारणाओं को इन्होंने, ठीक है, नकारा है, प्रमाणों के साथ नकारा है, ठीक है, और उन्हें टक्कर देने की जो है साहस जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी में है। इसके साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य की भूमिका ठीक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, ठीक है, इसी के साथ उन्होंने अलग अलग तरह के निबंध भी लिखे, ठीक है, निबंध भी लिखे उन्होंने, ये जो कहते हैं हम हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि ये आदि पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। तो ललित निबंधकार हैं, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और इतिहास के पुजारी माने जाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख को कहते हैं। अगर आप स्मृति के आधार पर कोई विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन में चित्रमाला, वी व्याख्यान माला, सी रेखा चित्र या डी संस्मरण। तो स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख को संस्मरण कहा जाता है। चलते हैं जी आगे। जनवादी कहानियों ने किस विचारधारा से प्रेरणा ली? जनवादी जो कहानियों ने किस विचारधारा से जो है प्रेरणा ली है? तो किस से? अस्तित्ववाद से, बी मार्क्सवादी,
सी पूंजीवादी या डी उत्तर आधुनिकतावादी। तो किससे ली है? मार्क्सवाद से। ठीक है, मार्क्सवादियों जो है, मार्क्सवादी जो है, उन्होंने मार्क्सवादी कहानियों से जो विचारधारा प्रेरणा ली है। जहां श्रोता वक्ता के शब्दों का उसके अभिप्राय से भिन्न कुछ और ही अर्थ कल्पित कर लेता है, वह कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, ए श्लेष, बी प्रोक्ति, सी अतिशयोक्ति, डी विरोधाभास। तो कौन सा है? विरोक्ति। ठीक है, विरोक्ति यानी कि टेढ़ी बात। ठीक है, जहां वक्ता शब्दों का उसके अभिप्राय से भिन्न कुछ और ही अर्थ कल्पित कर लेता है, वह कौन सा अलंकार होता है? विरोक्ति। ठीक है, छंद के विषय में कथन कल 16, जहां सदा सुहावे जाके अंत जाता ना ही भावे, सम सम विषम विषम सुखदाई, कविगण ताही कहे के रिक्त स्थान में आएगा चौपाई। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 16-16 मात्राएं होती है, आप सभी को मालूम है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अशक द्वारा लिखित वह कौन सा नाटक है जिसे संशोधित कर प्रवृत्त कर लौटता हुआ दिन नाम से प्रस्तुत किया गया? ए भंवर, बी तोलिए, सी कैद और डी पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारे पास जो अशक द्वारा लिखित है, तो वो कौन सा है? वो है अशक द्वारा जो लिखित है वो है कैद। ठीक है, अशक द्वारा लिखित वह कौन सा नाटक है जिसमें संशोधित प्रवृत्त करके लौटता हुआ दिन नाम से प्रस्तुत किया गया है? वो हमारा सही आंसर है कैद, सी ऑप्शन। कोणार्क नाटक के रचनाकार हैं, कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर, बी विष्णु प्रभाकर, सी लक्ष्मी नारायण लाल और डी धर्मवीर भारती। तो कोणार्क नाटक जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो कोणार्क नाटक है जगदीश चंद्र माथुर जी का। जगदीश चंद्र माथुर जी ने जो है कोणार्क नाटक लिखा। हिंदी रेखा चरित्र के जनक कौन है? हिंदी रेखा चरित्र जो है उसके जनक कौन माने जाते हैं? ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी महादेवी वर्मा, डी पदम सिंह शर्मा। तो हिंदी रेखा चित्र के जनक जो है वो डी ऑप्शन में हमारे पास है, पदम सिंह शर्मा। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, पदम सिंह शर्मा। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचिता हैं, पुष्प की अभिलाषा किनके द्वारा रचित है ये हमसे पूछा गया है? तो ए ऑप्शन में हमारे पास है जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो पुष्प की अभिलाषा जो है वो रचना जो कविता है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, मुझे तोड़ लेना वल माली, फेंक देना उस पथ पर जहां वीर झुकावे सिर, अपना ऐसा कुछ लाइनें हैं। ठीक है, तो वे माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो है ये पुष्प की अभिलाषा कविता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हिंदी साहित्य में महाप्राण, जो महाप्राण शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए बच्चन जी हरिवंश राय बच्चन जी, बी निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी तुलसीदास, डी पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। तो महाप्राण किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? वो है हमारे महाप्राण जिनको कहा जाता है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो निराला जी को महाप्राण कहा जाता है, इन्होंने निराला जी ने ही जो है रावण छंद, केंचुआ छंद, ठीक है, रबड़ छंद केंचुआ छंद का प्रयोग किया इनके छंदों को, जो रबड़ छंद और केंचुआ छंद भी कहा जाता है। निराला जी जो है प्रगतिवादी कवि भी लिखते हैं, थोड़ी सी छायावादी भी हैं। ठीक है, इस प्रकार से निराला जी जो है वो छायावादी कवि हैं। ठीक है, और साथ ही साथ महाप्राण जो है वो निराला जी को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है, इसी के साथ साथियों, अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने बड़ा ही आसान सा काम करना, अपना नेम, पहला अपने नेम को टाइप कीजिए, अपना नाम टाइप कीजिए, पेपर यानी कि जिस पेपर की आप जो है ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, घर बैठे ही हिंदी पंजाबी इंग्लिश किसी भी विषय से आप संबंधित हैं, सिटी यानी कि अपने शहर का नाम या अपने गांव का नाम, अगर आप गांव से संबंधित रखते हैं,
मेल या फीमेल, अपने जेंडर जो है उसको टाइप कीजिए, और ये सब टाइप करके आपने जो है स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, आप पंजाबी मास्टर मिस्टर कैडर, एसएसटी मास्टर मिस्टर कैडर, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी कैडर, हिंदी मास्टर मिस्टर कैडर, इन सभी के लिए, जिस भी कैडर से आप संबंधित हैं, तो आपके लिए जो है वीडियोस प्लस पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, लाइव प्री रिकॉर्डेड क्लासें आपके लिए हैं, कंप्लीट सिलेबस आपको ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से करवाया जाएगा। साथ ही साथ टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बखूबी रूप में हो सके। साथ ही साथ साथियों, आप जो है अगर हमारे फ्री आप डेमो देखना चाहते हैं, तो फ्री डेमो देखने के लिए आप टैट बजर ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तत्पश्चात आप हमारा एक फ्री डेमो देख सकते हैं और आप हमारे जो है इस मास्टर मिस्टर कैडर के जो है इसको कोर्स को ले सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? ए फ्राइड, बी लेनिन, सी मार्क्स या डी एंगल्स। तो कौन है प्रगतिवाद के जो है, तो प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक? तो वो सी ऑप्शन में हमारे पास है, मार्क्स। मार्क्सवाद जो है वो प्रगतिवाद के जो है आदि प्रवर्तक है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में जो है प्रगतिवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? ए 1945 ईस्वी से, बी 1946 ईस्वी से, सी 1936 ईस्वी से और डी 1933 ईस्वी से। तो हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का जो आरंभ माना जाता है वो सी ऑप्शन में हमारे पास है, 1936 ईस्वी से। 1936 ईस्वी से जो है प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। खंड काव्य कितने भेद हैं? 28 क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, कि खंड काव्य के कितने भेद होते हैं? ए 7 भेद होते हैं खंड काव्य के, बी 4, सी 3 और या डी 2। तो खंड काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? तो खंड काव्य के जो भेद होते हैं, तो खंड काव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है। खंड काव्य के भेद पूछा है उन्होंने, कितने होते हैं? तो दो भेद माने जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। महाकाव्य किसे कहते हैं? तो महाकाव्य किसे कहा जाता है जी? ए बायोग्राफिक को, बी एपिक को, ठीक है, सी ट्रेजेडी को और डी लिरिक को, ठीक है। तो महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो महाकाव्य कहा जाता है एपिक को। तो महाकाव्य में क्या है कि सर्ग जो है वो 8 से अधिक हो, है ना, का जो नायक है वो उच्च कुल का हो, साथ ही साथ जो है धीरोदात हो, है ना। तो कहने का भाव ये है कि महाकाव्य जो है उसमें जो है साथ ही साथ एक लघु कथा भी चल सकती है, ठीक है, इस तरह का है, ठीक है। साथ ही साथ नायक जो है उच्च कुल का हो, सर्ग 8 से अधिक हो, तो उसे जो है बहुत सी इसकी विशेषताएं हैं महाकाव्य की, उसके अनुसार महाकाव्य को जो है महाकाव्य कहा जाता है। और इसी तरह और दूसरी तरह से महाकाव्य किसे कहते हैं? तो एपिक को भी महाकाव्य कहा जाता है। इतिहास उद्धव वृत्त होना महाकाव्य के लिए अनिवार्य है, ये किसने कहा था? इतिहास जो है वो उद्धव वृत्त होना चाहिए, ये महाकाव्य के लिए अनिवार्य है, ये किसने कहा था? ए हिगल ने, बी साहित्य दर्पण, ए और बी दोनों ने और इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था ये हिगल और साहित्य दर्पण दोनों ने, ए और बी दोनों ने। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, तो कुरुक्षेत्र जो है रचना जो किनकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त की, बी रामधारी सिंह दिनकर की, सी सोहनलाल द्विवेदी जी की, डी सियाराम शरण गुप्त जी की। तो कुरुक्षेत्र जो है वो किसकी रचना मानी गई है? वो मानी गई है रामधारी सिंह दिनकर की। तो कुरुक्षेत्र में क्या है कि युद्ध की विसंगतियों, युद्ध की विसंगतियों, युद्ध की हानि, ठीक है, और साथ ही साथ शांति बनाए रखना या फिर शांति रखना,
इसके बारे में पक्ष में कहा गया है कुरुक्षेत्र में कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता है ना, युद्ध में जो है बहुत से योद्धा भी मारे जाते हैं है ना, तो युद्ध जो है किसी के काम का नहीं है, युद्ध हमें नहीं करना चाहिए ना, शांति बनाए रखनी चाहिए, युद्ध की विसंगतियों युद्ध की हानियों के बारे में जो है कुरुक्षेत्र के माध्यम से कहा गया है। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से नई कहानी के रचनाकार नहीं है। अब हमने देखना है कि नई कहानी के रचनाकार इनमें से कौन नहीं माने जाते हैं, तो कौन नहीं है निम्नलिखित कहानियों में नई कहानी के रचनाकार? ए मोहन राकेश, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, डी ज्ञान रंजन। तो कौन नहीं है? तो डी ऑप्शन में हमारे पास है ज्ञान रंजन। तो ज्ञान रंजन जो है वो नई कहानी के रचनाकार नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। गद्य की कसौटी किसे माना जाता है? तो गद्य की कसौटी कौन है? तो ए निबंध, बी आलोचना, सी उपन्यास, डी नाटक। तो गद्य की कसौटी माना गया है निबंध को। ये किसने कहा था कि कवियों की गद्य कवियों की कसौटी है ना, तो गद्य जो है वो कवियों की कसौटी है। जो अगर किसी को निबंध लिखना आता है सही तरह से वही कवि सही है, तो ये कहा गया था आचार्य शुक्ल जी ने, ठीक है। तो गद्य की कसौटी किसे माना जाता है? निबंध को। और ये किसने कहा था कि जो निबंध है वो कवियों की कसौटी है? तो ये आचार्य शुक्ल ने कहा था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? सॉरी, ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? ए रथ के पहिए, बी मृगनयनी, सी नागफनी का देश, डी रूपाजीवा। तो निम्नलिखित में से ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो निम्नलिखित में से उपन्यासिक इतिहास जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है मृगनयनी। मृगनयनी जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से प्रयोगशील उपन्यास किसे माना जाता है? प्रयोगशील। ए वे दिन, बी अजय की डायरी, सी सोया हुआ जल, डी सूरज का सातवां घोड़ा। तो निम्नलिखित में से प्रयोगशील उपन्यासकार किस उपन्यास सॉरी उपन्यास किसे माना जाता है? तो वो है हमारे पास जो है जो कहते हैं कि प्रयोगशील उपन्यास का जो उपन्यास किसे माना जाता है, तो वो है हमारे पास सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो प्रयोगशील उपन्यास है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ है अपर, अपर कैसा उड़ गया वह तो सपर है। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? हमने देखना कि कौन सा अलंकार है। ए व्रोक्ति, बी अतिशयोक्ति, डी विरोधाभास। तो कौन सा अपना उपन्यास जो सॉरी कौन सा जो है इसमें अलंकार है वो है व्रोक्ति अलंकार। व्रोक्ति यानी कि टेढ़ी बात कही गई कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ है अपर, हाथ में है और पूछ रहा है कहाँ है अपर, ऊपर कैसा उड़ गया वह तो सपर, ठीक है, तो व्रोक्ति है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो बिल्कुल राइट आंसर है हमारा ए। रेडियो एकांकी को यह भी कहा जाता है? तो रेडियो एकांकी क्या कहा जाता है? ए ध्वनि एकांकी, बी ऑडियो ऑडियो टाक, सी श्रव्य एकांकी और डी श्रवणीय एकांकी। तो रेडियो एकांकी को और क्या कहा जाता है? तो रेडियो एकांकी को और कहा जाता है ध्वनि एकांकी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की सुप्रसिद्ध जीवनी है, इसका नायक कौन है? आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर की सुप्रसिद्ध जीवनी। तो आवारा मसीहा सुप्रसिद्ध जीवनी है विष्णु प्रभाकर जी की। ये हमारा एक क्वेश्चन यहां से बन रहा है, आपसे हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि विष्णु प्रभाकर जी की सुप्रसिद्ध जीवनी कौन सी है, तो आवारा मसीहा तो उन्होंने जो लिखी है ये है ना, इसका नायक कौन है? अभी हमने देखना है कि नायक कौन माना जाता है। ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी निराला। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है और इसका नायक है जिनके बारे में लिखी गई है वो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति है, आदिकाल की जो प्रधान कह लीजिए मुख्य कह लीजिए साहित्यिक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी कि विशेषता कौन सी है, कौन सी मुख्य विशेषता है आसान शब्दों में यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया। ए वीर गाथात्मक, बी श्रृंगार परक, सी नीति परक, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? तो वीर गाथात्मक। वीर गाथात्मक जो है उस समय की प्रधान प्रवृत्ति है आदिकाल की।
पृथ्वीराज राजों में स्वर्गों को किस नाम से अभिभूत किया गया है? तो पृथ्वीराज राजो है उसको पृथ्वीराज राजो स्वर्गों में किस नाम से बात किया, जैसे सर्ग कहते हैं, खंड कहते हैं, भाग कहते हैं, अंक कहते हैं, तो इस प्रकार से पृथ्वीराज राजो में इसे क्या स्वर्गों को क्या कहा गया है? ए अंक, बी भाग, सी समय, डी अध्याय। तो सी समय कहा गया है। तो पृथ्वीराज राजो जो है रचना किसकी है? तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। इसे पूरा किसने किया? पूरण किया इसके जो पुत्र थे, इनके पुत्र थे जलहन, जलहन ने पूरण किया। ठीक है, तो जलहन ने इसे पूरा किया और समय इसको कहा जाता है स्वर्गों को। ठीक है, काफी इनकी इंपोर्टेंट रचना है ये, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनकर सामने आते हैं। षडधर की रचना कौन सी है? षडधर कवि की रचना कौन सी है? ए विजयपाल रासो, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, हमीर रासो, वर्ण रत्नाकर। तो षडधर की रचना कौन सी मानी गई है? सी ऑप्शन में है हमीर रासो। हमीर रासो जो है वो षडधर की रचना मानी गई है। संत काव्य और संत दर्शन के मुख्य आधारों में से है, संत काव्य और संत दर्शन के मुख्य आधारों में से है रामानुज का विशिष्टतावाद, बी शंकर का अद्वैत, सी भल्लवाचार्य का शुद्धाद्वैत, डी मध्वाचार्य का द्वैत। तो संत काव्य धारा और संत दर्शन के मुख्य धारों में शंकर का अद्वैत, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सखी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? सती सखी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? ए हरिदासी संप्रदाय, बी सनकादि संप्रदाय, सी संप्रदाय, डी गौड़ीय संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। यह संत साहित्य में प्राप्त विचारधाराएं मुख्यतः किस रूप में है? चंपू काव्य, बी खंड काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी मुक्तव काव्य। तो संत साहित्य में जो प्राप्त विचारधाराएं हैं वो मुक्त किस रूप में पाई जाती है? तो आप सभी को मालूम है वो मुक्त रूप में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो कवि मूलतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों पर आधारित, यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, संस्कृत के लक्षण ग्रंथ जो हैं उन पर आधारित, लक्षण ग्रंथों के प्रणय में प्रवृत्त रहे, उन्हें क्या कहते हैं? ए रीति मुक्त, बी रीतिबद्ध, सी रीति सिद्ध, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कवि संस्कृत के लक्षण ग्रंथों पर आधारित, लक्षण ग्रंथों के प्रणय में प्रवृत्त रहे, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है रीतिबद्ध, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निज भाषा उन्ति अहे सब उन्ति को मूल, किसने कहा? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगण। तो निज भाषा उन्ति अहे सब उन्ति को मूल, तो ये कहा था हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने आदिकाल के अमीर खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां लिखी। ठीक है, तो हमारे भारतेंदु जो युग है उसमें पद्य था उसमें ब्रज भाषा थी, और जो गद्य था उसमें क्या था? उसमें जो है खड़ी बोली थी, यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं जो है ब्रज भाषा का प्रचलन था भारतेंदु युग में। ठीक है, तो इसी के साथ आगे चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्नेही किस कवि का उपनाम है? स्नेही किस कवि का जो है उपनाम माना जाता है? ए नाथुराम शर्मा शंकर, बी रामचरित उपाध्याय, सी राय देवी प्रसाद, डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो स्नेही आ गया, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कमायणी के रचनाकार कौन हैं? तो कमायणी के रचनाकार कौन माने गए हैं? तो कमायणी के रचनाकार हैं ए निराला, बी हरिओद, सी दिनकर, डी जयशंकर प्रसाद। तो कमायणी के जो रचनाकार हैं वो है हमारे पास जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो कमायणी के रचनाकार हैं, और कमायणी में जो है 15 सरग हैं और अंतिम सरग आनंद है।
आनंद सरग जो है वो अंतिम सरग है। कमायणी जो है इसमें आनंदवाद की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से मानक वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जो मानक वर्तनी है, जो बिल्कुल सही सटीक है, मानक वर्तनी है, वो कौन सा है? द्वितीय, ए ऑप्शन, बी द्वितीय, सी द्वितीय, द्विवितीय, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो मानक वर्तनी हमने देखना है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल ठीक है। पद परिचय को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? पद परिचय को और किस नाम से जाना जाता है? तो ए समुच्चय बोध के नाम से, बी शब्द बोध के नाम से, सी व्याधिकरण के नाम से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो पद परिचय है उसको अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो अन्य नाम जो है शब्द परिचय का वो है शब्द बोध, ठीक है। शब्द बोध को पद परिचय के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। इसी के साथ साथियों, आप जो है हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप जो है अधिक से अधिक इस जो है लेक्चर को जो है शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। इसी के साथ आप जो है हमें फेसबुक पेज पर भी जो है आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो है अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। साथ ही साथ लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी इस लेक्चर का लाभ उठा सके और इस प्रीवियस पेपर को देख सके और अपनी तैयारी को बखूबी रूप में कर सकते। इसी के साथ साथियों, मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने अन्य प्रश्नों के साथ, जो प्रीवियस पेपर के हमारे रह चुके हैं। इसी पेपर के अगले जो क्वेश्चन है उन पर विचार विमर्श करेंगे। और साथ ही साथ साथियों, मैं आशा करता हूं आपको ये लेक्चर